करेक्ट। और आज देख के थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लगा रहे होंगे। जी हाँ, मैं अभी पहुँचा हूँ जावा यजदी अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया तो सर्विस करानी ज़रूरी बनती है। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ इंजन ऑयल चेंज कराया था गाड़ी में, तो अभी जो है रिक्वायरमेंट आ गई है, गाड़ी को सर्विस चाहिए। तो अभी मैं बेसिकली आ गया मॉर्निंग में अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। अभी भीड़ हुई नहीं है, लोग बाग आएंगे अभी, तो मैं पहले ही पहुँच गया। वेट कर रहा हूँ, अभी जैसे ही हमारे इंजीनियर लोग आएंगे उनके सामने बता देंगे ज़रा बाइक के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा सा इशू आ रहा था बाइक में मेरे को, और वो इशू ये था कि हल्का सा कभी कभी जैसे जब मैं बाइक को किसी गियर में उठाता हूँ तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो वो देखते हैं एक बार कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उसके बारे में पूछेंगे समझेंगे। तो अभी बस यही है कि मैं फ़िलहाल तो वेट कर रहा था, और अभी देखते हैं कितनी देर में आते हैं। 9:30 का टाइम है, मैं यहाँ पहुँच गया था 9 बजे, आधे घंटे से वेला घूम रहा हूँ यहाँ पे, मज़े ले रहा हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा भाई दबे, क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं रखने वाला हूँ, और बता दूंगा आपको कि क्या क्या मैंने बाइक के अंदर कराया है। अभी मेरी गाड़ी जो है, मेरी बाइक 13,000 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है, तो ये जो है इसकी बड़ी सर्विस होने वाली है 13,000 वाली। तो देखते हैं अभी क्या क्या ये लोग करेंगे। लास्ट टाइम कराया नहीं था, मेरे ख्याल से शायद साल से तो ऊपर ही हो गया होगा सर्विस कराए, तो उस हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी है। और देखते हैं अभी बाकी क्या सजेस्ट करते हैं। तो आप लोग कनेक्टेड रहिए, वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। शुरू करते हैं, फटाफट आपको दिखाते हैं। अभी अंदर भी चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ अपडेट है, कुछ नया मिलेगा यहाँ पे या नहीं। कॉस्मिक कार्बन, यस। तो ये बेसिकली सरप्राइज मेरे को भी मिल गया यहाँ पे देखने के लिए। इट इज़ लुकिंग ऑसम गाइस, मतलब कलर वाकई बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अभी जस्ट मॉर्निंग का टाइम है, इसको बाहर तो मैं निकाल नहीं सकता, बट मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरऑल, इट इज़ रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। थोड़ी सी एक्सेसरीज भी लगाई है, जैसे आप इसकी हेडलाइट देख सकते हैं, इसमें हेडलाइट ग्रिल वो भी लगी हुई है, और रेडिएटर पे भी इन्होंने ये गार्ड लगाया हुआ है, और क्रैश गार्ड भी इन्होंने लगाया हुआ है। ये सारे एक्सेसरीज के पार्ट हैं, बट ओवरऑल इट इज लुकिंग वेरी स्मार्ट, मस्त लग रही है। यहाँ पे यूएसबी रोडस्टर भी है अवेलेबल, और ये देखिए इसमें बेसिकली ये विंडशील्ड इन्होंने लगा रखी है, विच इज़ लुकिंग वाओ, एक अच्छा हेड ऑन फैक्टर इसमें आ गया है, बड़ी ही मस्त लग रही है ये, इस तरीके से ये इन्होंने लगाई हुई है। ये मिल गई बेसिकली हमें जावा 42 कॉस्मिक कार्बन, तो ये हमने अभी बाहर निकाली अंदर से। अब आप देखो इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है, काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी बेसिकली इंजीनियर को बता दिया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बाइक में, और अभी बाइक हमारी लग भी गई है सर्विसिंग के लिए ऑन टाइम। तो देखते हैं, होपफुली 1-1.5 घंटा लगना चाहिए एट मैक्स, और बाइक हमें मिल जानी चाहिए, फिर चला के देखेंगे दोबारा। तो जो मैं आपको बता रहा था मिसिंग, जो बाइक हल्का हल्का सा कर रही थी, वो बेसिकली उन्होंने मुझे बोला कि फ्यूल फिल्टर करके एक होता है, उसकी वजह से हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा कचरा हो, जिसकी वजह से वो फ्यूल जब आपका कम होता है बाइक में तो वो पास नहीं हो पाता ढंग से,
तो देखते हैं, अगर फ्यूल फिल्टर चेंज करना पड़ेगा तो वो चेंज होगा, सर्विसिंग शुरू होने वाली है बाइक की, वो जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स गो। तो बेसिकली अभी ये हो रहा है हमारा इसका फ्यूल फिल्टर चेंज, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा इसमें कचरा अटका हुआ है, डस्ट है इसमें, तो ये अभी चेंज हो रहा है। ये यूजुअली कितने किलोमीटर पे होता है? ये 12,000 या तो तीसरी सर्विस में चेंज करना पड़ता है। अच्छा, तो ये 12,000 पे या तीसरी सर्विस में चेंज कराना होता है, तो ये चेंज हो रहा है अभी। और अभी आप देखो इसमें कितनी गंदगी भरी पड़ी है, ये देखो। तो ये इसी वजह से बाइक जो है वो मिसिंग कर रही थी बार बार, और अब इसको चेंज करेंगे फिर आएगी फ्यूल सप्लाई प्रॉपर इसमें। तो भाई लोग बेसिकली ये था प्रॉब्लम, और ये आप देख रहे हो इसके फ्यूल फिल्टर में कितना ज़्यादा कचरा, कितनी ज़्यादा गंदगी जमा है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम थी, और ये अभी उन्होंने चेंज कर दिया है पार्ट, और ये पड़ता है कुछ आई थिंक 950 रुपये कुछ का है ये हालांकि, बट ठीक है, ज़रूरी है, इसी की वजह से बाइक मिसिंग कर रही थी बार बार। तो अभी ये चेंज हो गया, आप चलाएंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, अभी हालांकि सर्विस पूरी नहीं हुई है, कर ही रहे हैं। और ये है नया एकदम चकाचक। अभी नया फ्यूल फिल्टर इसमें लग गया है बस। तो भाई लोग अभी बेसिकली बाइक की हो गई है सर्विस, और जो मैंने आपको दिखाया था इसमें फ्यूल फिल्टर वो हो गया चेंज, और बाइक मेरी आ गई है बाहर, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, तो बाइक मेरी आ गई है बाहर, और इसको कर दिया इन्होंने सेट सारा कुछ, फ्यूल फिल्टर इसका ऑलरेडी चेंज हो गया है, छोटी मोटी जो भी कमी पेशी थी वो इन्होंने सारी कर दी है। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं बिल कितना बनता है, मैं आपको सर्विस कॉस्ट जो बन रही है वो भी दिखा दूँगा। 13,000 मेरी गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है, दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अभी आप अगर देखोगे तो ये ऑलरेडी 13,048.8 किलोमीटर ऑलरेडी आ चुकी है, इस पर यह सर्विस हुई है, और अभी इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगा। तो अभी लेते हैं फटाफट से इनसे बिल कि कितना बिल हमारा बना है। ओके, तो बेसिकली भाई लोग अभी जो बिल बना मेरा, सर्विस कॉस्ट मेरा बिल बना है वो बना है 3,400 रुपये का। यस, तो 3,400 रुपये में अगर मैं ब्रेकअप आपको बताऊं तो इसमें इंजन ऑयल जो डला है वही 1,200 रुपये का है, और जो मैं आपको फ्यूल फिल्टर की बात कर रहा था तो फ्यूल फिल्टर बेसिकली 900 कुछ का नहीं है, वो है 680। यस, तो बाकी सब कुछ मिला मिलू के मेरा जो बिल बना वो बना 3,400 रुपये का। तो ठीक है, पेड सर्विस है और 3,400 रुपये अभी लगे हैं मेरे, तो ठीक है, इट्स ओके। बट येस, आई होप कि अभी मस्त चलेगी एकदम पहले की तरह। तो अभी इस वीडियो में बेसिकली मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको बताऊं कि इसमें सर्विस कॉस्ट कितनी लगती है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं। तो ये बेसिकली इसका लॉन्ग टर्म सर्विस कॉस्ट था, और येस, छोटी मोटी चीज़ें तो खैर होती रहती है, लगी रहती है बाइक के साथ में। अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से शायद 1,000 रुपये ज़्यादा लग गए, बट अगेन अगर मैं देखूँ तो वो 1,000 रुपये मेरे इसमें ही लग गए सीधे सीधे से फ्यूल फिल्टर में। तो ठीक है, ओवरऑल बढ़िया है, बाकी कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं है, इट्स गुड, बाइक इज़ रनिंग, यू आर रनिंग। तो अभी बेसिकली इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और सबको बताइए यस कि लाइव राइडर इज हियर। वीडियोस देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।